गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास के अंदर बेटा अपन ने पोजिशनल एवरेज यानी मीडियन वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज यदि क्वेश्चन में दे रखी है या डिस्क्रीट सीरीज यदि क्वेश्चन में दे रखी है तो उस कंडीशन के अंदर अपन उसके अंदर बेटा मीडियन और उसके से रिलेटेड जो अदर मेजरमेंट्स है जिसके अंदर क्वार्टाइल्स है, डिसाइल है, परसेंटाइल है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बड़ा अपन ने क्वेश्चन के द्वारा फॉर्मूले वगैरह उसके अपन ने डिस्कस किए थे। आज अपन इसकी बड़ा जो नेक्स्ट थर्ड सीरीज है इम्पोर्टेंट सीरीज बड़ा यानी कॉन्टिन्यू सीरीज, इससे बड़ा 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी लगभग अपने को देखने को मिलता है कई बार, और कई बार इसके अंदर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी अपने आता है इसके, लेकिन इसमें तीनों का मिक्स क्वेश्चन आता है बड़ा, मीन, मीडियन और मोड का। ठीक है, तो कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर बड़ा सबसे पहले अगर अपने को मीडियन निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन देखते हैं। सबसे पहले काम रहेगा अपना कि यदि अपने को कॉन्टिन्यू सीरीज दे रखी है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेंगे इनटू क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जो अपनी फ्रीक्वेंसी दे रखी बड़ा क्वेश्चन के अंदर उसको क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सीएफ में कन्वर्ट करेंगे। सीएफ के अंदर कन्वर्ट करना, इससे पहले मैंने आपको बड़ा डिस्क्रीट सीरीज के तब क्वेश्चन कराए थे उसमें बताया था कि अपन उसको क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अपने को बड़ा मीडियन निकालना है ना, मीडियन निकालने के लिए कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर सबसे पहले मीडियन आइटम निकाला जाता है। मीडियन आइटम के लिए बड़ा इसका सिंपल स्मॉल एम देखिए एन बाय टू, इससे इसका मीडियन कौन सा आइटम मीडियन आइटम होगा वो चेक किया जाता है। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला पुट करेंगे एन बाय टू, एन का मीन यहाँ पे होगा बेटा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एन का मतलब यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल बोल दीजिए या लास्ट वाले बेटा ग्रुप की सीएफ बोल दीजिए, एक ही बात है। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपन इसका मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे एम इक्वल टू एल वन प्लस आई डिवाइड बाय एल मीडियन आई माइनस सी यानी स्मॉल एम माइनस सी, इससे बड़ा अपना मीडियन को कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अंदर एल वन का मतलब होगा यहाँ पे एल वन इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, यानी मीडियन जिस ग्रुप के अंदर मीडियनलाइज कर रहा है उस ग्रुप के अंदर बड़ा मीडियन का आइटम आ रहा है वो ग्रुप है उसका L1 यानी अपनी जो क्लास लिमिट होती है उसका L1 यानी लोअर लिमिट है वो ले लिया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड इसके अंदर दे रखा है I, I का मीन है बड़ा इसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ मीडियन ग्रुप, मैग्नीट्यूड ऑफ मीडियन ग्रुप यानी जिस ग्रुप के अंदर मीडियन आ रहा है उसका क्लास इंटरवल उसका डिफरेंस देखना अपने को कि उसका डिफरेंस है वो कितना है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, ठीक है, यानी एल वन बड़ा इसके अंदर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। उसके बाद में अपना आई है, आई अपने क्या लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, मैग्नीट्यूड ऑफ इसके अंदर बड़ा जो मीडियन ग्रुप है उसका क्लास इंटरवल देखना है कि उसका क्लास इंटरवल कितना है। एफ यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप देखनी है, एम स्मॉल एम आपको पता ही बड़ा स्मॉल एम का मतलब है यहाँ पे मीडियन आइटम
बेटा इसको n by 2 करके भी बड़ा परफॉर्म कर सकते हैं, यानी n by 2 करने से जो आया वो आपका मेडियन आइटम इसका है। अब उसके बाद में इतना c, c का मीन है इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मेडियन ग्रुप। c का मीन क्या बताया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन ग्रुप। ये फॉर्मूला बड़ा अपन अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करने के बाद में अपना मीडियन है वो कैलकुलेट हो जाएगा इसके अंदर। पहले अपन सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए क्वांटिटी सीरीज के अंदर यदि अपने को मीडियन निकालना है तो सबसे पहला काम क्या रहेगा अपना, जो अपना फ्रीक्वेंसी है उसको सबसे पहले अपन किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। फिर मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मीडियन आइटम निकालना पड़ता है, मीडियन आइटम निकालने का फॉर्मूला होगा एन बाई टू, यानी एन, एन का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी या लास्ट वाला सी एम मान लीजिए उसको डिवाइड कर देंगे टू से। उसके बाद बेटा इसका मीडियन का फॉर्मूला अपना उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर अपना है m, m का मतलब यहाँ पे मीडियन आइटम n by 2 करके निकाल सकते हैं, और c का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन ग्रुप। ये अपना फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और उसके द्वारा अपना जो मीडियन है वो आ जाएगा बेटा, उसका आंसर है वो अपन इसको कैलकुलेट कर देंगे। ये तो बेटा अपना मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। इसी तरह से अपने क्वार्टाइल 1 है, क्वार्टाइल 3 है, परसेंटाइल है, इनके लिए भी अपन अलग अलग फॉर्मूला पुट करेंगे। तो इनके लिए कौन कौन सा फॉर्मूला पुट होगा वो अपन देखते हैं इसके अंदर। यदि Q1 निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला पुट होगा पहले अपन वो देखते हैं इसमें। अब इसमें देखिए यदि आपको Q1 निकालना है तो Q1 निकालने का प्रोसेस बड़ा सेम वही है कि सबसे पहले Q1 निकालने के लिए Q1 का आइटम निकालेंगे। इसके लिए स्मॉल Q1, स्मॉल Q पुट किया बड़ा इसके अंदर सिंबल के लिए, तो n by 4th आइटम, n यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको बड़ा 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हैं। जो उसका आइटम आएगा Q1 का उसको बड़ा फॉर्मूले में पुट करेंगे, Q1 is equal to L1 plus I divided by F और क्वार्टाइल 1 minus C, यानी उसका क्वार्टाइल 1 का जो आइटम है उसमें से प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और इसके अंदर क्वार्टाइल 1 ग्रुप को लेस कर देंगे। अब इसके अंदर L1 बड़ा वही लिमिट, लोअर लिमिट है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर क्वार्टाइल 1 ग्रुप, I उसका मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इसके अंदर बड़ा क्वार्टाइल 1 ग्रुप, Q1 is equal to इसके अंदर क्वार्टाइल 1 आइटम है इसके अंदर, और C इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है। सेम ऐसे बड़ा क्वार्टाइल 3 के अंदर बस इसके फॉर्मूले में यहाँ पे 3n by 4 हो गया, बाकी वो का वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला आपका मीडियन के अंदर है और वही फॉर्मूला आपका Q1 में है और वही फॉर्मूला आपका क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट कर देंगे। ऐसे अगर बड़ा D7 निकालना है तो D7 के अंदर सबसे पहले इसका D7 का आइटम निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है सबसे पहले आइटम निकालने का। जो डिसाइल्स है वो बड़ा किस में डिवाइड होते हैं, 10 से डिवाइड होते हैं, इसने 10 से डिवाइड किया, 7 निकालना तो 7, 6 निकालना तो 6, 5 निकालना तो 5, इनसे बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे अपन। उसके बाद जो D7 का फॉर्मूला अपन ने पुट किया L1 plus I divided by F D7 item minus C, ऐसे बड़ा परसेंटाइल के लिए यदि परसेंटेज चाहे कोई भी निकालना हो, मैंने तो एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे 90 का, 90 की जगह 80 निकालना है तो भी 80 की तरह इसी तरह से पुट करना है, 70 निकालना है तो भी ऐसे निकालना है, 95 निकालना है तो भी ऐसे निकालना है, बस इतना ही चेंज रहेगा। यहाँ पे 90 जहाँ पे पुट हो रहे हैं वहाँ पे आपको 95, 80, 70 जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो अपने को लगाना है। अब इसके अंदर पी 90 निकालने के लिए बड़ा सबसे पहले अपन इसका आइटम निकालेंगे पी 90 का, 90 n डिवाइड बाय 100, तो 90 यहाँ पे बड़ा इसका 100 से परसेंटाइल है तो परसेंटाइल 100 से डिवाइड होता है, 100 से डिवाइड किया इसका आइटम आ जाएगा। P90 का फॉर्मूला लिखेंगे L1 plus I divided by F P90 minus C,
ये बड़े इसके फॉर्मूले अपने, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को मीडियन है, क्वार्टाइल्स है, डिसाइल्स है, परसेंटाइल है, ये कैलकुलेट करना है। यदि आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूले लगा के अपने को मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल वो अपन आराम से इजीली बड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन बड़ा एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके अंदर अपन सबसे फर्स्ट जो अपना मेजरमेंट है मीडियन है, वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं इसके अंदर। ये देखिए बेटा अपने एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर वेजेस दे रखे हैं जो ग्रुप के अंदर है, 10 to 20, 20 to 30 से लेके लास्ट 60 to 70 तक दे रखे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसके अंदर अपने को मीडियन वेजेस इसका कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करके बताना है कि इसका मीडियन कितना आएगा। सबसे पहला काम अपना वही है कि इस फ्रीक्वेंसी से क्या निकालेंगे, अपन सीएफ निकालेंगे यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी से सीएफ बनाने के लिए बड़ा 10, 35, 121, 166 ठीक है, इसी तरह से बड़ा आगे और इसके कैलकुलेट कर देंगे 184 और 196, ये इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया। समझ में आ गया बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाया कि 10 ही बड़ा 10 plus 25, 35, 35, 86, 121, 121, 145, 166, 184 और 196। तो अपना जो आएगा वो मीडियन आइटम आ जाएगा 98 का आइटम है बड़ा। अब ये जो आइटम है वो कौन सी सीएफ के अंदर लाइज करेगा, लाइज इन सीएफ 121 इन ग्रुप 121 के अंदर लाइज कर रहे हैं और इसके सामने का जो ग्रुप है वो हो जाएगा आपका 30 to 40। इस 40 ग्रुप के अंदर आपका जो मीडियन है वो लाइज करेगा बेटा, जो मीडियन है वो आपका कैलकुलेट करके लाओगे वो मीडियन है वो 30 से 40 वाले ग्रुप के अंदर आपका आएगा। अब इसके अंदर बेटा देखो इसके अकॉर्डिंग अपन लिखते हैं, ये इसका L1 हो गया मीडियन के लिए, इसके बाद में ये इसका बड़ा फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है, ये इसके अंदर अपना कैलकुलेट हो गया। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला अपना है L1 प्लस I डिवाइड बाय L मीडियन आइटम माइनस C। L1 कितना बड़ा इसका 30 है, यहां भी मैंने लिख दिया इसका 30, तो 30 बड़ा मीडियन है प्लस आइटम है प्लस I, इस ग्रुप का डिफरेंस जिस ग्रुप में आ रहा है उसका डिफरेंस देखना है, 10 का डिफरेंस है डिवाइड बाय इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 86, मीडियन आइटम आया तो आपका 98 माइनस प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी जिस ग्रुप में लाइज कर रहे हैं उससे ऊपर वाली सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है वो कितनी आपकी 35 है। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मीडियन है वो आ जाएगा इसके अंदर, इसको कैलकुलेट कीजिए ये हो जाएगा आपका 30 plus 10 divided by 86 into 63। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो बड़ा ये आएगा 7.32, तो ये हो जाएगा आपका 30 plus 7.32 = 37.32, ये आपका मीडियन आ गया, ये आपका मीडियन का आंसर आ गया ठीक है। ये बड़ा मीडियन निकालने का है, सबसे पहले बड़ा ग्रुप और फ्रीक्वेंसी दे रखा था मैंने, इसे इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया यानी इसको फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए, उसके बाद में मीडियन आइटम निकाला, मीडियन आइटम के अंदर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज के अंदर एन होता है
196 को डिवाइड किया 2 से 98 का आइटम आया, जो लाइज कर रहे हैं किसके अंदर 121, यानी किसके अंदर 121 के अंदर लाइज कर रहे हैं, और इसके सामने का जो ग्रुप है वो बड़ा इसका मीडियन ग्रुप हो जाएगा, यानी इसका इन ग्रुप के अंदर 30 to 40। अब मीडियन का आइटम लिखा बड़ा L1 + I / M, M - C। L1 यानी इस ग्रुप की लोअर लिमिट है वो 30 है, I इसका डिफरेंस है वो 10 है, उसके बाद इसकी ग्रुप के सामने की फ्रीक्वेंसी 86 है बड़ा वो F अपना, और उसके बाद में M यानी जो स्मॉल m है वो आइटम इसका वो 98 वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, और C इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 35 है। इसको कैलकुलेट किया तो आपका जो मीडियन है वो आ गया इसके अंदर। ये बड़ा अपना मीडियन अपन को कैसे कैलकुलेट करना है वो अपन ने देखा। नेक्स्ट क्लास में बड़ा मीडियन क्वार्टर्स वगैरह इसके अपन क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, है ना। तो ये अपना आज इतना ही करते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे इसमें।